खबर शाहजहांपुर से, जहां प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी यूथ फ्रंटलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। शाहजहांपुर में भी सभी यूथ फ्रंटलों के नेता व कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि मोदी योगी राज में किसान परेशान है, शिक्षा महंगी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, निजीकरण से रोजगारों की संख्या में कमी आ रही है और योगी सरकार में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रमुखता से रोजगार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को निशाने पर लेते रहे। इन्हीं मुद्दों को लेकर सफाई सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे और जुमलेबाजी बंद करो, युवाओं को रोजगार दो के बैनर लिए हुए थे। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में रोजगार खत्म हुए, ऐसे में युवा सफाई रोजगार के मुद्दे को उठा रहे। इस मौके पर इम्तियाज मंसूरी, अनुज यादव, प्रसून कुमार, ओम गुप्ता, विपिन यादव, चौधरी सौमित्र यादव, बागी सचिन यादव, सुखवीर सिंह चौहान, सरताज अहमद, हसीन बासित, रवि सक्सेना, गोपाल मिश्र, अंशुल भारद्वाज, कमलेश यादव, आसार अली समेत आदि लोग मौजूद थे। शाहजहांपुर से अवधेश सिंह की रिपोर्ट।